साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 4 साल पहले मैंने मेरे चैनल पर डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी के 3 वीडियो अपलोड किए थे और आज भी मेरे लाखों फॉलोअर्स इन 3 वीडियो का प्रयोग करके, इस डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी का प्रयोग करके अच्छा खासा रिटर्न कमा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी के एडवांस्ड वर्जन के बारे में आपको समझाऊंगा, यानी पिछला जो वीडियो थे, 3 वीडियो थे 4 साल पहले जो मैंने डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी आपको समझाई थी, उस वर्जन में जो जो कमियां रही थी, उस वर्जन के अंदर जो जो कमियां रही थी, उन सब कमियों को दूर करके और भी अच्छा खासा इम्प्रूव्ड वर्जन ये बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो मैं डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी के एडवांस वर्जन के बारे में बताऊंगा, वो अडानी इंटरप्राइजेज के पिछले 1 साल के डाटा पे आपको बैक टेस्ट करके भी इस विधि को मैं समझाऊंगा। आपको प्रैक्टिकल में समझाने के लिए मैंने अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर का चयन क्यों किया, इसके लिए आप जब गूगल पर अडानी इंटरप्राइजेज शेयर प्राइस लिखेंगे तो इस तरह का एक चार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें ये 1 दिन का चार्ट है इसका। यहां जब आप 1 साल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अडानी इंटरप्राइजेज निफ्टी का ऐसा शेयर है जो पिछले 1 साल में 23.61% गिरा है, लगभग 23% ये शेयर पिछले 1 साल के अंदर गिरा है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि गिरते हुए शेयर में भी बगैर शॉर्ट किए यदि हमने डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी के एडवांस वर्जन का प्रयोग किया तो हमने लगभग 13% रिटर्न कमाया सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर में। अडानी इंटरप्राइजेज निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है पिछले 1 साल में। तो इसकी मैंने एक इस तरह की एक्सेल शीट बनाई है, इसका एक एक कॉलम में एक एक डाटा आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। इसमें पूरे 1 साल के डाटा मैंने लिए हैं और लास्ट में आप देखेंगे इसमें जो प्रॉफिट है, टोटल मैंने इसको 20,000 का इन्वेस्टमेंट मान के समझाया है। तो 20,000 इन्वेस्टमेंट पे आपको सबसे ज्यादा इस गिरने वाले शेयर में भी 2593 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी 12.96% का, लगभग 13% का, 13% का प्रॉफिट आपको 1 साल में अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर में भी इस विधि से मिल जाता, जबकि 1 साल के अंदर अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 23.61% गिरा है। यदि आप डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी के बारे में अनजान हैं और आपने मेरे पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपको बिना पिछले 3 वीडियो देखे भी समझ में आ जाएगा। मैं इसमें एकदम पूरे नए सिरे से विस्तार से आपको बताऊंगा। कोई बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाना चाहे तो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछले 3 वीडियो के लिंक भी प्रोवाइड करा रखे हैं, बाद में जाके वो आराम से देख सकता है। तो ये डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान है, इसके सिर्फ 4 रूल है। यदि आप 4 रूल समझ लेंगे तो आपको ये डार्वस बॉक्स स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। इसका देखो रूल नंबर 1 क्या है, इसका रूल नंबर 1 है अपने कैपिटल को 6 भागों में बांट लीजिए। पुराने वर्जन और नए वर्जन में अंतर इतना ही है, पुराने वर्जन में आपके कैपिटल को 9 भागों में बांटना था, नया वर्जन चूंकि एडवांस्ड है, मॉडिफाइड है, तो इसमें ऑर्डर कम ट्रिगर होते हैं, तो आपको 6 भागों में बांटने से भी काम चल जाएगा। तो पहला रूल नंबर 1 है अपने कैपिटल को 6 भागों में बांट लीजिए। मान लीजिए आप 1 शेयर के अंदर 20,000 रुपये लगाना चाहते हैं तो 20,000 में 6 का भाग दीजिए, 3,333 रुपये आ जाएंगे। और आप 1 शेयर में यदि 2 लाख रुपये लगाना चाहते हैं तो 2 लाख में 6 का भाग दीजिए तो 33,333 रुपये आ जाएंगे। आप 1 शेयर में यदि 60,000 रुपये लगाना चाहते हैं तो 60,000 में 6 का भाग दीजिए, 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी कैपिटल को 6 भागों में बांटना, यानी पार्ट्स में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो ये एवरेजिंग है, एवरेजिंग नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा पार्ट्स में होता है। जैसे क्या होता है, शेयर यदि आगे आपके खरीदने के बाद गिर जाए तो भी आपको लाभ मिलता है, बढ़ जाए तो भी आपको लाभ मिलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट हमेशा पार्ट्स में करने के लिए पहला रूल आप याद कर लीजिए कि अपनी कैपिटल को इसके अंदर आपको 6 भागों के अंदर बांटना है। अब इस स्ट्रेटेजी का रूल नंबर 2 क्या है, अगला रूल क्या है कि हम कोई शेयर खरीदेंगे तो वो शनिवार या रविवार जब हॉलीडे होगा, जब मार्केट बंद होगा, उस समय उसका GTT ऑर्डर भर के खरीदेंगे, यानी अगले हफ्ते के लिए हम खरीदारी का ऑर्डर एडवांस लगा के रखेंगे। और वो GTT ऑर्डर क्या भरना है, हमें पिछले सप्ताह के उसके डाटा देखेंगे उस शेयर के। अभी आपको कम भी समझ में आए तो आगे प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। हम उस शेयर के पिछले सप्ताह के डाटा देखेंगे, उसमें जो उस शेयर का पिछले सप्ताह का जो उच्चतम स्तर बना है, जो हाईएस्ट पॉइंट बना है, उस ऑर्डर पर GTT लगाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि यदि शेयर गिरता रहा तो हमारा GTT ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा, उस हाईएस्ट स्तर से बाहर जाएगा तो ही लगेगा कि शेयर में कुछ नई बात है, कुछ खास है, ये बढ़ने वाला है, तभी अपने पिछले सप्ताह के हाईएस्ट स्तर को ये तोड़ के ऊपर जा रहा है। तो पिछले सप्ताह के हाईएस्ट स्तर पे हम GTT ऑर्डर लगाएंगे। मान लो ये काल्पनिक डाटा है, पिछले सप्ताह के अंदर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन होते हैं सप्ताह में, इस तरह से किसी शेयर के हाईएस्ट स्तर है, ये हाईएस्ट स्तर है,
तो आप देखेंगे कि पिछले सप्ताह में इसने 189.30 से ऊपर का स्तर नहीं बनाया, तो अगले सप्ताह जब हम खरीदारी करेंगे तो इस 189.30 के प्राइस पे ही खरीदारी करेंगे। यदि शेयर इससे नीचे रहेगा तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा। जीरो दाम एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है जिसको कहते हैं GTT ऑर्डर। जीरो दा के अलावा दूसरे ब्रोकर भी प्रोवाइड कराते होंगे। देखो मैं जीरो दा का एजेंट नहीं हूँ, ना ही कोई खाता वगैरह खुलाने का लिंक देता हूँ, किसी कंपनी का व्यापार नहीं करता, लेकिन इसमें ये फैसिलिटी है तो हम इस विधि का प्रयोग करने के लिए हमें GTT ऑर्डर की फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो हम GTT लगा के छोड़ देते हैं, गुड टील ट्रिगर ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं जो पिछले सप्ताह के उच्चतम स्तर पे होता है। यानी ये अगले सप्ताह यदि 189.30 का स्तर आता है तो ही हमारा ऑर्डर ट्रिगर होता है, तो ही हम शेयर खरीदते हैं, अन्यथा हम नहीं खरीदते। फिर अगले सप्ताह हम फिर देखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इस GTT ऑर्डर को एडिट कर देते हैं। पिछले सप्ताह का उच्चतम स्तर यदि इससे नीचे रहा हो तो वो नीचे वाला स्तर ले लेते हैं। यदि आपको ऐसे थ्योरेटिकल समझने में दिक्कत आ रही है तो आइए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में समझाता हूँ। जो मेरे बिल्कुल नए फॉलोअर है जिनको GTT ऑर्डर लगाना नहीं आता, उनको मैं थोड़ा GTT ऑर्डर लगाना सिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे अडानी ग्रीन के शेयर में 60,000 रुपये का निवेश करना है, तो पहले मैं NSE की वेबसाइट पर जाऊँगा, यहाँ अडानी ग्रीन का डाटा खोलूँगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और यहाँ हिस्टोरिकल डाटा में जाऊँगा और एक सप्ताह के डाटा मुझे चाहिए। यहाँ वन वीक लिखा हुआ है, आज संडे है, मान लो संडे को आप वन वीक लिख कर गए, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो मात्र एक सप्ताह के डाटा ये आपके आ गए। एक सप्ताह का जो हाईएस्ट प्राइस है वो 3 अक्टूबर को बना था 997.95 रुपये पे, अभी ये 960 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये हाईएस्ट प्राइस इसको ट्रिगर प्राइस के रूप में भरूंगा कि 997.95 रुपये पे यदि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर गया तो ही मेरे लिए खरीदना है। इससे नीचे नीचे रहा, कल मान लो और गिरता है और टूटता है, पूरे हफ्ते गिरता ही रहता है, तो मेरे लिए वो शेयर नहीं खरीदना। फिर मैं अगले हफ्ते क्या करूंगा, फिर इस पिछले 5 दिन के जो हाईएस्ट प्राइस होगा उसके अनुसार एडिट कर दूंगा। यदि शेयर गिरता रहा तो ये हाईएस्ट प्राइस भी कम हो जाएगा। अभी मान लो मुझे 60,000 का निवेश करना है, तो जैसा कि मैंने आपको सिस्टम बताया था कि यदि आपको 60,000 का निवेश करना है तो पहला रूल क्या कहता है, अपने कैपिटल को 6 भागों में बांटिए। एक बार में मैं 10,000 रुपये का निवेश करूंगा और मेरा ट्रिगर प्राइस क्या है, 997.95 रुपये है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 997.95 रुपये से, 10.02 आता है। तो इसको पूर्णांक में खरीदना है हमें, 11 शेयर खरीदने हैं, भले ही वो 10,000 से थोड़ा अधिक हो जाए। तो 11 शेयर कैसे खरीदूंगा मैं मेरे जीरोधा के खाते में जाकर के आपको अभी दिखा देता हूं कैसे ऑर्डर भरेंगे। यहां जो GTT लिखा होता है, GTT ऑर्डर कैसे भरते हैं, न्यू GTT पे जाएंगे, यहां इसको सर्च करेंगे, इस शेयर को अडानी ग्रीन को ये सर्च किया, सर्च करने के बाद क्रिएट GTT पे जाएंगे, क्रिएट GTT पे जाके बाय के अंदर करना है। और ट्रिगर प्राइस क्या है, ये इन्होंने पहले ही 5% बढ़ा के बढ़ रखा है, हमें क्या बढ़ना है, पिछले हफ्ते का हाईएस्ट प्राइस बढ़ना है कि 997.95 रुपये से ऊपर गया तो हमारे लिए 11 शेयर खरीद लेना। इस भाव पे आते ही ये जो ट्रिगर हो जाएगा, और यदि हमें इस भाव पे खरीदना है तो थोड़ा 5 पैसे कम पे ट्रिगर करवा लो इसको, कि 997.90 रुपये पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और खरीदना हमें किस भाव पे है, 5 पैसे ऊपर जाके, कि 997.95 रुपये की। जब ये इससे 5 पैसे कम का प्राइस आएगा, 997.90 रुपये का आएगा, तब ये ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा, आपकी तरफ से जीरोधा भेज देगा और ये इसमें लिखा होगा कि 997.95 रुपये तक किसी भी प्राइस पे मिले तो हमें खरीदना है, तो 5 पैसे कम पे ही हम ट्रिगर करवा लेते हैं तो इजी रहेगा। तो ये 997.95 रुपये तक आपको खरीदना है कुल मिला के, तो इस ऑर्डर को कैसे प्लेस कर देंगे, तो ये GTT ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगले हफ्ते यदि ये प्राइस आया तो ठीक है, नहीं आया तो अगले हफ्ते इसको मॉडिफाइड करने का क्या तरीका है, इसको पिछले हफ्ते का, अब जो अगले हफ्ते प्राइस नहीं आता है तो जो भी हाईएस्ट प्राइस बनता है वो थोड़ा स्वाभाविक है कम ही बनेगा, तो इसको इससे एडिट में जाकर के इसको फिर अगले हफ्ते आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मान लो वो प्राइस 955 रुपये ही बना, तो 955 रुपये इसका ट्रिगर प्राइस कर दिया, 955 रुपये बना तो 954.95 रुपये कर दिया, 5 पैसे कम कर दिया, और 955 तक हमें खरीदना है। अगले हफ्ते हम इसको इस प्रकार से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपको GTT ऑर्डर लगाना सिखाया है, कोई बिल्कुल नया निवेशक हो तो ऐसे इसमें GTT ऑर्डर लगाते हैं। जैसे यहां पर पिछले एक साल के डाटा मैंने एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लिए हैं, यहां आप देख सकते हैं 8 और 9 अक्टूबर 2022 को शनिवार रविवार था, यानी मार्केट बंद था। ये 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक का पिछला ट्रेडिंग वीक है, इसके अंदर 5 अक्टूबर 2022 को मार्केट किसी कारण से छुट्टी से बंद रहा होगा, 3, 4, 6 और 7 को 4 ही दिन मार्केट पिछले हफ्ते खुला था।
ये इसकी हाईएस्ट प्राइस है अडानी एंटरप्राइजेस के, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर के मैंने डाटा डाउनलोड कर रखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्राइस कौन सा है, 3,460.05। तो नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग ट्रिगर प्राइस जो है 3,460.05 हम पहले से फीड करके रखेंगे। ये प्रकार का जीटीटी ऑर्डर लगा के रखेंगे, गुड टिल ट्रिगर, कि ये 3,460.05 से ऊपर जाएगा तो ही ये शेयर हमें 3,460.05 पे खरीदना है, इससे ऊपर नहीं जाएगा तो हमें नहीं खरीदना है, यानी इस प्राइस पे ही हमें खरीदना है, इससे कम पे रहेगा तो हमें नहीं खरीदना है। अब आप अगले वीक का डाटा देखिए, ये अगला ट्रेडिंग वीक है, हमने शनिवार रविवार को प्राइस फीड करके छोड़ दिया हमने। अगले ट्रेडिंग वीक में 10, 11, 12, 13, 14 को 3,460.05 से ऊपर ये शेयर गया ही नहीं, देखो ये शेयर इससे ऊपर गया ही नहीं। तो अगले शनिवार रविवार को हम फिर से इस जीटीटी ऑर्डर को एडिट कर देंगे, इसको एडिट करके हमने कम कर दिया, यानी पिछले पांच दिन का जो ये प्राइस था 3,338 रुपए, 3,338 रुपए हाईएस्ट प्राइस ये था, यानी हर शनिवार रविवार को पिछले पांच दिन का हाईएस्ट प्राइस देखेंगे। तो ये जीटीटी ऑर्डर यदि ट्रिगर नहीं हुआ तो हम अगले बार इसको पिछले पांच दिन के हाईएस्ट प्राइस के अनुसार एडिट कर देंगे। पिछले पांच दिन का हाईएस्ट प्राइस अब क्या हो गया, 3,338 रुपए हो गया, तो हम इसके अनुसार एडिट कर दिया हमने। और फिर अब अगला हफ्ता जब हुआ तो आप देखेंगे यहां पर 20 अक्टूबर 2022 को ये इसने 3,365 रुपए का हाईएस्ट बनाया था, यानी 3,338 रुपए से ये ऊपर चला गया, तो यहां ये ट्रिगर हो गया। तो एक शेयर हमने यहां पर बाय किया, मैंने आपको जैसा बताया कि 20,000 रुपए का मैं क्वांटिटी लेके चल रहा हूं, तो 20,000 का छठा हिस्सा 3,338 रुपए होता है, तो पूर्णांक में इससे थोड़े बहुत ऊपर हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो 3,338 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने किया, एक शेयर हमने बाय किया। अभी मैंने इसके अंदर ब्रोकरेज चार्ज और डीपी चार्जेस नहीं जोड़े हैं, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जब जोड़ दूंगा मैं। और एक शेयर, ये टोटल शेयर भी एक हो गया, 3,338 रुपए हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, इसका एवरेज प्राइस भी 3,338 रुपए है। इसके अंदर प्रॉफिट टारगेट हमें 6% रखना है, यानी जब भी ये 3,538.28 रुपए का टारगेट आ जाए 6% का, यहाँ फार्मूला दे रखा है मैंने, इसमें सीधा 1.06 की गुणा कर रखी है, 6% का यदि टारगेट आ जाए तो हमें इसमें प्रॉफिट बुक करना है। इग्नोरेबल रेंज क्या है ये मैं भी आपको आगे समझा दूंगा। तो यदि आपको पिछले दो रूल समझ में आ गए हैं तो अब आप रूल नंबर 3 बड़े आराम से समझ जाएंगे, कि ये रूल नंबर 3 जो नया ऐड किया गया है, पिछला जो इसका ओल्ड वर्जन था उसके अंदर रूल नंबर 3 नहीं था, लेकिन एडवांस वर्जन में हमने इसकी कमियां देखी। देखो डार्विन्स बॉक्स थ्योरी में मेन कमी यही होती थी, इसमें हमें अपनी कैपिटल को 9 भागों में बांटना पड़ता था, और कई बार एक जैसे प्राइस पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाते, वो जाकर के शेयर एवरेज हो जाता था। जैसे मान लो कोई शेयर आपने 100 रुपए पे खरीदा, तो अगली बार उसका हाइएस्ट स्तर जो है 100.50 रुपए पे ही ट्रिगर हो जाता था, तो कैपिटल हमारी फंस जाती थी। एक जैसे स्तर पे शेयर जो 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट होता था तो एक जैसे स्तर पे शेयर आ जाते थे, कि शेयर का जैसे पहले कभी 100 पे ट्रिगर हुआ, फिर 101 पे ट्रिगर हो गया, फिर 99 पे ट्रिगर हो गया, फिर 102 पे ट्रिगर हो गया, फिर 98 पे ट्रिगर हो गया, तो 4-5 ऐसे ट्रिगर फास्ट ट्रिगर मिल जाते थे। उसके बाद शेयर एकदम से टूटता और 88 पे आ जाता, तो 4-5 फास्ट ट्रिगर जो होते उसमें हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी। तो उस कैपिटल को ब्लॉक होने से रोकने के लिए बहुत ही रिसर्च करके शोध करके मैंने ये 2.75% की एक रेंज दी है। इसमें लिखा है कि इग्नोर इफ, यानी आपको इग्नोर करना है, जीटीटी ऑर्डर लगाने को इग्नोर करना है, यदि पिछले सप्ताह का जो उच्चतम स्तर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपकी पिछली खरीद की 2.75% की रेंज में हो। देखो अभी प्रैक्टिकल में और समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको कि यदि पिछले सप्ताह का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यदि आपकी पिछली खरीद की लास्ट बाय की 2.7% की रेंज में, यानी पिछली खरीद लास्ट बाय यदि आपकी 100 रुपए है, ये काल्पनिक समझाया आपको, फिर रियल डाटा में अडानी इंटरप्राइजेज में मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। यदि पिछली खरीद पिछली लास्ट बाय यदि आपकी 100 रुपए की है, और इसका अब आप नया जो जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं पिछले सप्ताह उच्चतम स्तर यदि मान लो 98 रुपए है, तो ये रेंज में है, यानी इसकी 2.75% कम करते हैं 100 रुपए की, तो 97.25 रुपए बनते हैं। तो हमें 97.25 रुपए से कम यदि पिछले सप्ताह उच्चतम स्तर हो तो ही जीटीटी ऑर्डर लगाना है, नहीं तो हमें इग्नोर इफ है, हमें इसको इग्नोर करना है। और या 102 रुपए बनती है, 101 रुपए बनती है तो भी इग्नोर करना है, यानी पिछली खरीद के 2.75% ऊपर और 2.75% नीचे, जो पिछली लास्ट बाई 100 रुपए की है इसके 2.75% ऊपर 102.75 रुपए तक ये यदि पिछले सप्ताह उच्चतम स्तर बनता है तो हमें जीटीटी ऑर्डर नहीं लगाना, इग्नोर करना है। और इसका 2.75% यदि कम भी बनता है, 97.25 तक ये जीटीटी ऑर्डर बनता है तो भी हमें नहीं लगाना है, इग्नोर करना है, उस सप्ताह हमें जीटीटी ऑर्डर लगाने को इग्नोर करना है। अभी आपको प्रैक्टिकल में और समझा देता हूं कैसे। अब मैं आपको ये इग्नोरेबल रेंज क्या है ये अडानी इंटरप्राइजेज के पिछले डाटा में प्रैक्टिकल में समझाऊंगा।
17 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच का जो वीक था उसमें एक ये बाइंग ट्रिगर हुई थी 3338 रुपए पर। तो इसका यदि 2.75% कम करते हैं तो 3246 रुपए 21 पैसे हुए, और 3338 का यदि 2.75% ज्यादा करते हैं तो 3429 रुपए 80 पैसे हुए। तो इन दोनों के बीच में यदि ट्रिगर प्राइस आएगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे। जैसे अगले हफ्ते का जो नेक्स्ट वीक बाइंग ट्रिगर प्राइस जो है 3382 रुपए था, पिछले हफ्ते का हाईएस्ट प्राइस देखो आप यहां देख सकते हैं 3382 रुपए है। तो ये 3382 रुपए 3246 और 3429 के बीच में आता है, यानी ये यदि 3246 रुपए 21 पैसे कम होता तो हम इसको खरीदने के लिए कंसीडर करते, हम इसका ट्रिगर प्राइस इसका जीटीटी ऑर्डर भरते, या 3429 रुपए 80 पैसे ऊपर होता तो हम इसका जीटीटी ऑर्डर भरते। परंतु ये इस रेंज में है तो एक जैसी खरीदारी से बचने के लिए हम 3382 रुपए को हम इग्नोर करेंगे। और उसके उससे अगले हफ्ते हमने फिर देखा, इससे अगले हफ्ते ये हाईएस्ट प्राइस क्या है 3387 रुपए 95 पैसे है, तो ये भी इस इग्नोरेबल रेंज के बीच में है तो इसलिए इसको भी इग्नोर करेंगे। और इस दरमियान क्या हुआ, प्रॉफिट ही बुक हो गया, 6% प्रॉफिट बुक इस पहली खरीदारी के अंदर। आप देखेंगे जो 3338 रुपए खरीदी थी इसका टारगेट था 3538 रुपए 28 पैसे, तो 6% प्रॉफिट बुक कर लिया हमने 3538 रुपए 28 पैसे यहां पर आ गया, क्योंकि यहां प्राइस देखो 3607 रुपए 45 पैसे हो गया, तो यहां ये प्रॉफिट बुक हो गया। तो कुल प्रॉफिट हमारा 200 रुपए 28 पैसे हुआ। ब्रोकेज और डीपी चार्जेज लगभग 16 रुपए लगता है, ब्रोकेज इसमें जीरो दाम में कमी लगता है, कम करने के बाद ये 200 रुपए की हमने मान लिया कि 20-22 रुपए ब्रोकेज डीपी चार्ज लगे, 178 रुपए हमारा प्रॉफिट हमने गिन लिया इसको कम करके। जो भी मैं प्रॉफिट बता रहा हूं इसमें ब्रोकेज और डीपी चार्जेज प्रॉफिट बुक करने के बाद इसके अंदर कम कर रहा हूं। अब एक बार प्रॉफिट बुक हो गया तो अभी फिर नई खरीदारी के लिए इग्नोरेबल रेंज नहीं है, एक बार खरीदारी होगी तो ही इग्नोरेबल रेंज स्टार्ट होती है। तो नई खरीदारी में अब हम देखेंगे इन 5 दिन का हाईएस्ट प्राइस क्या है, इन 5 दिन का हाईएस्ट प्राइस ये 3850 रुपए 80 पैसे है, ये हमने अगले हफ्ते जीटीटी ऑर्डर फीड कर दिया और सोमवार को मार्केट खुलते ये 4013 रुपए तक इसने हाईएस्ट बनाया, यानी यहां ये ट्रिगर हो गया था 3852 रुपए 45 पैसे पे खुला, तो 3849 रुपए 80 पैसे पे ये हमारा शेयर एक आ गया था, क्योंकि इसमें लो देखोगे आप लो जो है 3820 रुपए का लो बना था, इससे ये लो जो है कमी है 3849 रुपए 80 पैसे पे अगले हफ्ते फिर एक शेयर आ गया, और इस बार जो है टारगेट हमारा 4080 रुपए 79 पैसे का हो गया, यानी इसका 6% बढ़ा करके। और इग्नोरेबल रेंज क्या हो गई, इस 3849 रुपए 80 पैसे की 2.75% कम और 2.75% ज्यादा, इन दोनों के बीच में अगले हफ्ते का प्राइस है तो हमें उसको इग्नोर करना है, हमें जीटीटी ऑर्डर फीड नहीं करना है। लेकिन यहां ये अगले हफ्ते का जीटी ऑर्डर क्या है 4048 रुपए 95 पैसे, देखो ये 4048 रुपए 95 पैसे, तो ये इग्नोरेबल रेंज से बाहर था। तो अगले हफ्ते हमने फिर इसको फीड किया और यहाँ ये ट्रिगर भी हो गया 4048 रुपए 95 पैसे फिर आ गया। तो अब ये टोटल शेयर हमारे पास 2 हो गए, टोटल इन्वेस्टमेंट 7898.75 पैसे का हो गया, एवरेज प्राइस ये हो गया, और टारगेट क्या है एवरेज प्राइस का 6% है। और इग्नोरेबल रेंज क्या रहेगी, आखिरी खरीद की, यानी अब आखिरी खरीद क्या थी 4048.95 पैसे थी, तो आखिरी खरीद जो है ये 4048.95 पैसे की 2.75% कम और 2.75% ज्यादा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और ये पूरी एक्सेल शीट मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप आराम से इसके अंदर समझ लेना। यहां जाके फिर इसके अंदर 6% प्रॉफिट बुक हो गया 21 दिसंबर 2022 को, इस बार जो टोटल प्रॉफिट हुआ 473.93 पैसे का, ब्रोकर डीपी चार्ज कम करे तो लगभग 450 रुपए का टोटल प्रॉफिट एक बार फिर से बुक हो गया। तो अब आपको डार्वक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी के नए वर्जन के तीनों जो प्रमुख रूल है वो समझ में आ चुके हैं। ये देखो तीन प्रमुख रूल है, चौथा रूल तो इसमें शेयर सिलेक्शन का है कि कौन से शेयरों को आपको सिलेक्शन करना है। डार्वक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी के ये तीन रूल आपके खत्म हो गए। यदि अभी भी आपके कुछ कम समझ में आया तो मैं अडानी इंटरप्राइजेज के जो पिछले एक साल के डाटा पे मैंने बैक टेस्ट किया है उसकी पूरी एक्सेल शीट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूं, आप उसको डाउनलोड करके आराम से समझ सकते हैं। एक बार मैं इस एक्सेल शीट का आपको वर्णन भी थोड़ा समझा देता हूं कि एक्सेल शीट में क्या है, मैंने किस प्रकार से बनाई है, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि इस विधि से यदि आपने इन तीनों रूलों का प्रयोग करके पिछले एक साल में अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर खरीदा होता, जो निफ्टी का सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है, जो लगभग 23% गिरा है पिछले एक साल में, तो भी आपको 13% के करीब इसके अंदर प्रॉफिट हुआ होता। तो आपने यदि बढ़ने वाले शेयर में की होती तो आप समझ सकते हैं खुद कि कितना आपको जल्दी जल्दी इसके अंदर प्रॉफिट मिलता, कितनी जल्दी जल्दी पैसा रोटेट होता। मैंने निफ्टी का जो वर्स्ट केस था उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल में समझा दिया। तो एक्सेल शीट क्या है इसके बारे में एक बार प्रैक्टिकल में समझ लीजिए, फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आराम से डाउनलोड करके और समझ लेना। तो इस प्रकार से ये पूरे एक साल की एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। यहां आप देखेंगे
कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया फिर वापस ऐसी ट्रिगर प्राइस बढ़ने लगे तो यहां जाके फिर से ट्रिगर हो गया, एक शेयर अपने फिर से खरीद लिया, फिर इग्नोरेबल रेंज बढ़ दी। कभी इग्नोरेबल रेंज में कोई हफ्ते में बाइंग प्राइस रहा तो हमने उसको इग्नोर किया, उसका ऑर्डर नहीं भरा। तो इस तरह से मैंने पूरा आपको काल्पनिक रूप से ऐसे ये समझाया कि अगले हफ्ते ये बाइंग प्राइस ये है, ट्रिगर प्राइस ये है। फिर आप देखें गिरता हुआ शेयर होता है तो ये ट्रिगर प्राइस अगले हफ्ते कम हो जाता है, जैसे पहले 3795 भरा ये प्राइस आया ही नहीं, फिर अगले हफ्ते 3508 रुपए तक आई बनाया, फिर अगले हफ्ते कम हो गया 3508 ही हो गया, फिर ये गिरता रहा तो अगले हफ्ते हमने इसको फिर एडिट करके 3073 रुपए कर दिया। ये इस विधि का मजा है कि गिरते हुए शेयर में इसमें खरीदारी नहीं होती, खाली बढ़ते हुए में ही होती है। तो फिर अगले हफ्ते फिर हमने कम करके इसको 2222 रुपए 15 पैसे ही कर दिया। तो ये पूरी सीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखो ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, मैं ईमानदारी से कोई भी चीज समझाता हूँ। यहाँ बाइंग प्राइस 1685 रुपए था, परंतु इस हफ्ते ये 1685 रुपए 50 पैसे का इसने लो बनाया था, ट्रिगर तो हुआ लेकिन 1685 रुपए 50 पैसे का लो बनाया, उससे ऊपर आ गया प्राइस 1905 रुपए चला गया। तो मैंने आपको झूठा ट्रिगर नहीं दिखाया कि 1685 रुपए भी आ गया और बढ़ गया 1905, ऐसा नहीं है। मैंने लिख दिया ड्यू टू गैप अप ओपनिंग, ओपनिंग इसकी 1688 रुपए पे हुई, 1685 रुपए से ऊपर ही हुई, 1688 रुपए ओपनिंग हुई। तो ड्यू टू गैप अप ओपनिंग अनेबल टू बाय 1685 रुपए, हम खरीदने में असमर्थ रहे। फिर हमने अगले हफ्ते जब एडिट किया 1685 1905 रुपए 95 पैसे किया, क्योंकि इस हफ्ते का हाईएस्ट प्राइस 1905 रुपए 95 पैसे था। तो मैंने पूरी ईमानदारी का प्रयोग किया, यदि मैं यहां ईमानदारी नहीं रखता तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट दिखा देता, परंतु मेरा उद्देश्य वीडियो चला के कमाई करना नहीं है, मेरा उद्देश्य आप लोगों को एजुकेट करना है। तो 1905 रुपए 95 पैसे पे यहां ट्रिगर हुआ, 1905 रुपए 95 पैसे पे कैसे ट्रिगर हुआ, 1966 रुपए पे खुला लेकिन इसका लो जो बना था दिन में 1855 रुपए तक भी गया, फिर से बढ़ गया, फिर ये 1982 रुपए के करीब जाके बंद हुआ। तो इसका मतलब 1905 रुपए 95 पैसे पे ट्रिगर हो गया। इस बार हम दो शेयर लेंगे क्योंकि हमें 3333 रुपए कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है, तो थोड़ा ज्यादा हो जाए तो चलता है। मैंने कहा ना 3333 रुपए 33 पैसे से कम नहीं होना चाहिए, तो इस बार हमने दो शेयर खरीदे और टोटल शेयर अब तीन हो गए, जो एक ये पहले पीछे भी खरीदा हुआ था। ये सीट आपको मिल जाएगी या आपको स्क्रीन पे कभी समझ में आती है, तो इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो खरीदारी करते करते यहां तक हमने 18,932 रुपए 15 पैसे का निवेश इसमें कर दिया था, टोटल शेयर 9 हो गए थे हमारे, और उसके बाद हमारा टारगेट हो गया था 2,229.79 पैसे। यहां पर ये टारगेट 6% प्रॉफिट बुक का एक साथ बुक हो गया और 1,135.92 पैसे हमने प्रॉफिट कमाया। ब्रोकरेज और टीपी चार्जेस 3,592 पैसे कम भी कर दें तो लगभग 1,100 रुपए मैंने यहाँ प्रॉफिट गिना है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, मैंने ब्रोकरेज और टीपी चार्जेस भी प्रॉफिट बुक किया तब कम करते करते मैं गिनते गिनते आया हूँ। तो पूरी सीट आपको मिल जाएगी, आपको समझ लेना इसको डाउनलोड कर करके। और लास्ट में आप देखेंगे कि ये टोटल प्रॉफिट जो है 2,593 रुपए हो गया, 178 रुपए एक बार बुक किया ब्रोकरेज डीपी चार्जेस कम करके, 450 एक बार बुक किया, 1,100 एक बार बुक किया, 865 एक बार बुक किया, और ये 20,000 का इन्वेस्टमेंट हम माने हैं। हालांकि 18,000 रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, फिर भी आपने पैसा तो 20,000 ब्लॉक करके रखा, तो 12.96% ये प्रॉफिट हो गया, 13% के लगभग आपको प्रॉफिट हो गया। 20,000 पूरे पे गिनते हैं तो इसको, ये भी मैंने ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी रखी है। और जो कम इसमें जो राशि आपके बेकार पड़ी थी उसको आप लिक्विड बीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लिक्विड बीज पे भी मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये रिटर्न की परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन मैंने इसको आपको कम से कम परसेंटेज के अंदर समझाया कि कम से कम इतना रिटर्न तो आपको मिला ही मिला। तो अब प्रश्न उठता है कि डॉरक्स बॉक्स स्ट्रेटेजी का प्रयोग हमें किन शेयरों में करना चाहिए, इसके लिए शेयरों का चुनाव कैसे करें। तो शेयरों के चुनाव में हमें रूल नंबर 4 दिया इसके लिए हमने, कि एक तो हमें टॉप 100 मार्केट कैप वाले शेयरों में से ही चुनना है। टॉप 100 मार्केट कैप वाले शेयर आप मनी कंट्रोल की साइट पर जाके आराम से देख सकते हैं। आप गूगल पे जब लिखेंगे टॉप 100 मार्केट कैप मनी कंट्रोल तो आपके मनी कंट्रोल की साइट का लिंक आ जाएगा गूगल पे, उसमें आप जाके टॉप 100 मार्केट कैप वाले शेयर आसानी से देख सकते हैं। और टॉप 100 मार्केट कैप वाले शेयरों में भी सब के सब 100 का प्रयोग नहीं करना, उनमें ऐसे शेयरों का प्रयोग करना है जो उनके ईयर लो से शेयर बढ़ता हुआ ऊपर आना चाहिए, न कि ईयर हाई से गिरता हुआ नीचे आ रहा हो। इसको मैं BOH फिल्टर कहता हूँ, इसको मैं बॉटम आउट हंटिंग फिल्टर कहता हूँ। जो मेरे पुराने फॉलोअर है वो इस फिल्टर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ये किसी भी शेयर को खरीदने के लिए प्राथमिक शर्त है। सबसे पहले उसकी शर्त ये देख लीजिए किसी भी शेयर को खरीदने के लिए। डॉक्टर भी आप जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, किसी बीमारी के डॉक्टर आपका BP चेक करता है, आप कहते हो मैं तो जुकाम हुआ है मेरे, तो मेरा BP क्यों चेक करते हो? डॉक्टर साहब कहते हैं BP आपकी प्राथमिक शर्त है। यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में है तो आपको एडमिट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया जुकाम की वजह से या बहुत ज़्यादा लो हो गया है तो समझ लो कि अंदर वाले भगवान अपनी जगह छोड़ चुके हैं और उड़ने वाले हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं भर्ती हो जाओ, आपकी हालत गंभीर है,
बीपी चेकिंग से डॉक्टर को आइडिया लगता है कि पेशेंट की हालत एडमिट करने लायक है या नहीं, या गंभीर है या नहीं, तो हम किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो उसका एक प्रकार का बीपी है। हम ये देखते हैं कि उसकी ईयर लो की डेट जो है वो आज की डेट से जस्ट पीछे मुड़ के देखें तो उसकी ईयर लो की डेट आनी चाहिए। अभी जैसे अक्टूबर महीना है, मैं पीछे की तरफ मुड़ूंगा तो कौन से महीने होंगे, सितंबर महीना मेरे पीछे दिखेगा, अगस्त महीना मेरे पीछे दिखेगा, जुलाई दिखेगा, जून दिखेगा, तो इन पीछे के महीनों में ईयर लो की डेट होनी चाहिए, यानी शेयर ईयर लो से आना चाहिए, ईयर लो को टच करके शेयर ऊपर आना चाहिए, उसको कहते हैं पीछे की तरफ देखें तो ईयर लो की डेट हो। और मैं आज अक्टूबर महीने में पीछे मुड़ के देखूं, सितंबर में, अगस्त में, जुलाई में, जून में शेयर ने ईयर हाई बनाया हो और अब गिरते गिरते आ रहा हो, तो वो इसका मतलब वो ईयर हाई से गिरता हुआ आ रहा है, उस शेयर को हमें इग्नोर करना है। हमें कौन सा शेयर खरीदना है इसमें, जो शेयर ईयर लो बनाकर उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसको खरीदना है, इस डार्स बॉक्स थ्योरी में उसका प्रयोग करना है, ना कि ईयर हाई से गिरता हुआ शेयर लेना है। और ये जब आप टॉप 100 मार्केट के पर शेयर देखोगे तो अभी आज की डेट में सिर्फ 19 शेयर ऐसे हैं जो ईयर लो से अभी बढ़ते आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इन 19 शेयरों का प्रयोग ही इस डार्स बॉक्स थ्योरी की विधि के लिए करना है। तब आप कहेंगे कि हम 100 शेयरों में ऐसे खोजेंगे ढूंढेंगे कैसे पता चलेगा, तो मैंने इसकी एक गूगल फाइनेंस सीट ऑटोमेटिक बना दी है, एक ऑटोमेटिक गूगल फाइनेंस सीट है, वो खुद विश्लेषण करेगी कि शेयर का ईयर हाई क्या है, ईयर लो क्या है, उसकी ईयर हाई की डेट क्या है, ईयर लो की डेट क्या है, और वो डार्स बॉक्स थ्योरी के लिए शेयर खरीदने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो उस सीट का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस सीट के बारे में थोड़ा समझ भी लीजिए। तो डार्स बॉक्स स्ट्रेटेजी के इस एडवांस वर्जन का प्रयोग आपको NSE के टॉप 100 मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में ही करना है। टॉप 100 मार्केट कैप्स वाले स्टॉक मैंने इसे गूगल सीट में ले लिए, एक साथ इसको मैंने सबके इनके कोड टॉप 100 स्टॉक मार्केट कैप वाले स्टॉक लेके कोड लिख दिए, फिर इसमें एक फार्मूला दिया, करंट मार्केट प्राइस फार्मूले से ऑटोमेटिक आ गए। गूगल फाइनेंस सीट है, ऑटोमेटिक अपडेट होती है, नए फॉलोअर होते हैं समझते भी नहीं कि ऑटोमेटिक अपडेट होती है क्या होता है, इसको हाथ से करना पड़ता है, ये सब गूगल फाइनेंस के डाटा आके ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं। फिर इसका 52 वीक हाई भी ये फार्मूले से ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको अलग अलग देखने की निकालने की जरूरत नहीं है। 52 वीक हाई की डेट भी फार्मूले से ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऊपर ये फार्मूला दिया हुआ है। मैं आपको ये फॉर्मूले वाली सीट ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, आपको शेयर करूंगा मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन आजकल क्या है, गूगल सीट्स ने भी सिस्टम चेंज कर दिया, मोबाइल पे खोलते हैं तो आपको इसका वेब पेज व्यू दिखता है, उसमें इसका फॉर्मूला दिखता ही नहीं, तो या तो आप इसको डेस्कटॉप पे खोलिए या गूगल सीट ऐप डाउनलोड करके खोलेंगे तो ही आपको फॉर्मूले दिखेंगे। फॉलोअर शिकायत करते हैं कि सर फॉर्मूले वाली सीट प्रोवाइड कराओ, फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा, तो भाई मैं तो पूरी सीट आपको फॉर्मूले वाली ही दे रहा हूं, पर गूगल सीट क्या करती है, सिस्टम अपडेट करती रहती है। ये 52 वीक लो की डेट दी है, 52 वीक लो दिया है, 52 वीक लो की डेट दी है, और ये यहां पर इसका आउटपुट दिया है, फार्मूला दिया है कि यदि ये D2 जो है छोटा हो F2 से, यानी ये जो 52 वीक हाई की डेट है ये छोटी और 52 वीक हाई की लो की डेट बड़ी हो, यानी 52 वीक लो की डेट जो है आपके पास में आज के मार्केट प्राइस के, ठीक है ना, तो इसको ये फार्मूला कहेगा कि यदि ऐसा सिस्टम होता है कि ये 52 वीक हाई की डेट छोटी है, 52 वीक लो की डेट बड़ी है, तो ये सूटेबल फॉर डार्स बॉक्स स्ट्रेटेजी लिखाएगा, और जिसमें ऐसा लिखाएगा उसमें ये ग्रीन कलर भी ऑटोमेटिक आएगा फार्मूले से, नहीं तो इसमें अवॉइड लिखा हुआ आएगा। तो अभी आप देखो रिलायंस के शेयर में क्या है, 52 वीक हाई की डेट इसकी क्या है 19 जुलाई है, और 52 वीक लो की डेट क्या है 20 मार्च 2023 है, तो अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, तो यदि देखते हैं तो ये 52 वीक लो की डेट की तुलना में ये 52 वीक हाई की डेट ज्यादा है, इसलिए इसको अवॉइड बता रहा है। तो यहां ये जो शेयर है इन्फोसिस है, इसमें 52 वीक हाई की डेट जो है 1 दिसंबर 2022 और 52 वीक लो जो है 17 अप्रैल को बढ़ा है, यानी पीछे की तरफ जब मुड़ के देखते हैं, आज अक्टूबर महीना चल रहा है तो पीछे अप्रैल आता है, पहले अप्रैल आएगा, फिर ये दिसंबर महीना 22 का उसके बाद आएगा, तो पीछे की तरफ लो आना चाहिए, यानी शेयर लो से बढ़ते बढ़ते आना चाहिए, ऐसा फार्मूला मैंने ऑटोमेटिक दे रखा है, तब इसमें लिखा आएगा सुटेबल फॉर डार्स बॉक्स थ्योरी स्ट्रेटेजी में के लिए ये सुटेबल है। और इसकी एक फाइनल लिस्ट सबकी स्कैन करके या ऑटोमेटिक फाइनल लिस्ट भी इसमें नीचे देखो सीट 1 जो दी हुई है, ये इसके अंदर 100 में से सिर्फ ये 19 शेयर ही फाइनल लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, जो मैंने अडानी ग्रीन का प्राइस फीड किया था मेरे खुद के लिए, वो आपने देखा भी था, वो भी सीट में से ही है। तो आपको जो भी शेयर चूज करना है वो सीट में से ही करना है। अडानी ग्रीन मैंने इसलिए यूज किया कि इन्फोसिस, SBI, LIC, डीमार्ट, बजाज फिनसर्व, ये मेरे पास पहले से हैं, अडानी इंटरप्राइजेस भी पहले से है, तो अडानी ग्रीन ऐसा नया था इस सीट के अनुसार, तो फिर मैंने इसका डार्स बॉक्स थ्योरी से नया प्राइस फीड करना प्रारंभ किया।
तो टॉप 100 मार्केट कैप स्टॉक्स में से ये ऑटोमेटिक फिल्टर होके फाइनल लिस्ट ही आ जाएगी। तो इसको क्या करना है, आपको मेरी सीट का एक्सेस नहीं मांगना, फाइल मेनू में जाना है, मेक ए कॉपी करना है, इसको नए नाम से कॉपी करना है, नया नाम आ गया कॉपी ऑफ स्टॉक्स, इसको आपके गूगल ड्राइव में पहले आपको नए नाम से कॉपी करना है, मेक ए कॉपी। उसके बाद आपको ये फार्मूले दिखेंगे, आप इस सीट को एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कोई नया शेयर जोड़ भी सकते हैं, और फार्मूले देखने के लिए आप फिर आप गूगल सीट ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद देखना तो आपको सही दिखेंगे इसके अंदर फार्मूले वगैरह, नहीं तो आपको इसका वेब पेज भी दिखेगा। तो ये सीट भी आपको मैं, ये ऑटोमेटिक अपडेट होगी, इसमें जैसे मान लो अडानी ग्रीन में आपने एक बार डारोस बॉक्स थ्योरी प्रारंभ कर दी तो प्रॉफिट बुक होने तक इसमें से नाम हट भी जाए इसका अडानी ग्रीन का तो भी इसमें चलते रहना है, जब इसमें प्रॉफिट बुक हो जाए फिर इसमें से सीट में से कोई नया शेयर चूज कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से आपको इस सीट का प्रयोग करना है। तो अभी आपने देखा कि 100 में से 19 शेयर ऐसे हैं जो अभी डारोस बॉक्स थ्योरी के अंदर प्रयोग करने लायक है, और मैंने जो आपको अडानी इंटरप्राइजेज का एग्जांपल समझाया वो मैंने शेयर जस्ट उसके ये राही से पकड़ा है। यदि इसके अंदर इस फिल्टर का ध्यान रखा होता है, बीएस फिल्टर का, तो इसके अंदर अडानी इंटरप्राइजेज में भी और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल जाते यदि हमने इसको ईयर लो को टच करने के बाद पकड़ा होता। आप पिछले डाटा से ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैंने पूरी ईमानदारी रखी है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैंने तो निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर था उस पर आपको समझा दिया कि सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर में यदि ऐसी स्थिति है तो बाकी तो इससे ऊपर ऊपर ही है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य अवगत कराना। दूसरी बात, मेरे फॉलोअर हमेशा यह ध्यान रखें, मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल ऐसा नहीं है जिसमें मैं आप लोगों से पैसे मांगता हूँ, मेरी पेड सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ, ऐसा कोई भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है। किसी तरह के फेक टेलीग्राम चैनल को लोग मेरी फोटो लगाए खोल लेते हैं, उनको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, फिर आपसे पैसे मांगते हैं, तो ऐसा नहीं करें। और अब व्हाट्सएप ने भी चैनल बनाने की सुविधा प्रोवाइड करा दी है, व्हाट्सएप पे मेरा चैनल मैंने खोला है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ऑथेंटिक लिंक से जाके मेरा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें भी मैं कोई शेयर की टिप भी नहीं देने वाला हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे सिर्फ मेरे जो नए वीडियो आएंगे, मेरा वीडियो जो नया आएगा वो, और एक मेरा लाइफस्टाइल का ब्लॉग है महेश कौशिक सीमा की रसोई ब्लॉग्स नाम से, जहाँ मैं कहीं घूमने वूमने जाता हूँ तो उस लाइफस्टाइल के इवेंट्स को मैं ब्लॉग के रूप में रिकॉर्ड करता हूँ, तो सिर्फ उसके लिंक आएंगे। मेरे चैनल पे जो नए वीडियो आएंगे उनके लिंक आएंगे, मेरे ब्लॉग या वेबसाइट पे कोई नया अपडेट आएगा तो उसके लिंक आएंगे, या मेरी कोई नई बुक पब्लिश होगी तो उसके लिंक आएंगे। बहुत से नए फॉलोअर को पता नहीं होगा कि मैंने शेयर मार्केट के ऊपर 6-7 पुस्तकें भी लिखी है, उन पुस्तकों का हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी 4 भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है, तो उन पुस्तकों का लिंक भी कोई खरीदना चाहे तो अमेजन फ्लिपकार्ट आदि से ऑनलाइन उपलब्ध है, तो आप खरीदना चाहे तो डिस्क्रिप्शन जाके खरीद सकते हैं। बाकी मुझे ना तो पुस्तक बेचने में कोई इंटरेस्ट है, ना किसी पेड सर्विस ब्रोकरेज कंपनी का विज्ञापन मैं करता हूँ, कोई मुझसे इस विज्ञापन के संपर्क नहीं करे, और ना ही मेरी कोई भी सेवा पेड है। मैं पैसे लेकर के ना तो कोई टिप बेचता हूँ, ना पैसे लेकर के कोई ट्रेनिंग देता हूँ। देखो मुझे पैसा कमाना होगा तो मैं शेयर मार्केट से कमा लूँगा, आप लोगों से पैसा कमाने का मैं प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो आप कैसे किसी भी प्रयास से बचें, कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह पे कोई मेरी फेक फोटो लगाता है या व्हाट्सएप पे भी कोई मेरे नाम से फेक चैनल खोल लेता है पैसे मांगता है तो समझ लीजिए कि वो चैनल फेक है। कोई भी आपसे यदि पैसे मांगता है तो आप समझ लोगे वो चैनल फेक है। तो आज का वीडियो इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है, यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।